जी नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट में खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ का प्लान सी क्या होगा? इलेक्शन कमीशन का फैसला उल्टा पड़ गया। पीटीआई को खेल में नया पैंथरा मिल गया। प्लान सी कठिन सही, मगर इसे नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं किया जा सकता। मुजावजा प्लान सामने आते ही मुखालफीन में थरथरी मच गई। प्लान सी के मुताबिक तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार कामयाब होने की सूरत में मुकर्रर वक्त में पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ज़रूर छीना गया है, माफ़ कीजिएगा, मगर जमात पर पाबंदी नहीं लगती। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन रूल्स के तहत कामयाब उम्मीदवारों को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 रोज़ का वक्त दिया जाता है कि वो किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, जिसके बाद हतमी पार्टी पर सेक्शन जारी की जाती है कि बल्लेबाज का इंतखाबी निशान रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला तहरीक इंसाफ के काम आएगा, जिसके मुताबिक नामजदगी फॉर्म में लिखे जाने के बाइस इन्हें पहले ही तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तस्लीम किया जा चुका है। सिर्फ इनके पास इंतखाबी निशान नहीं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की प्लान सी के तहत पार्लियामेंट में एंट्री की सूरत में सियासी जमातें दावा करेंगी कि पार्टी पोजीशन के मुताबिक इसे ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तों में हिस्सा दिया जाए। मज़ीद अपडेट के लिए अपडेट न्यूज़ चैनल देखते रहिए।